हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू एनलाइटनिंग एकेडमी। आज इस वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व की। मतलब हमने ना आसपास के चार पांच स्कूल्स को कवर करा है, आरएसवी, केपीएस, डीएवी, केवी, मतलब और आसपास के स्कूल्स जिनके प्री बोर्ड के पेपर्स मैथ्स साइंस और हिस्ट्री के हम सॉल्व करते रहेंगे। जैसे प्री बोर्ड हो उसके एक दो दिन के अंदर आपके पास पेपर आ जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले केवी विकासपुरी मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोले, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20, मतलब A5 कितना दे रखा है 20, एंड द सम ऑफ द सेवंथ एंड इलेवंथ टर्म ऑफ एपी 64, मतलब A7 प्लस A11 इज इक्वल टू 64, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या मैं A5 को A प्लस 4D लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं A7 को A प्लस 6D और A11 को A प्लस 10D लिख सकता हूं? हाँ जी, A प्लस A हो जाएगा 2D, 6 प्लस 10 हो जाएगा 16D इज इक्वल टू 64। टू कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल टू 64, ये कट जाएगा यहां पर, A प्लस 8D इज इक्वल टू 32। एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ही, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। A प्लस 4D इज इक्वल 20, A प्लस 8D इज इक्वल टू 32, माइनस माइनस माइनस, ये गया माइनस का 4D इज इक्वल टू माइनस का 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3, तो दिस इज ने 3 करा होगा उसका आंसर ठीक होगा। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी, अगर इससे एक टेंजेंट बने तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका नाम रख लेते हैं पी, ये कितना होगा? हमें पता है थ्योरम 10.1 की रेडियस जब भी टेंजेंट को टच करेगा तो कितने डिग्री पे, 90 पे, और इन चारों एंगल का सम कितना है, ओ प्लस ए प्लस बी प्लस पी इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल का सम 360 होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस पी इज इक्वल टू 360, ये हो जाएगा 60 प्लस 180 प्लस पी इज इक्वल टू 360, ये हो जाएगा 240 प्लस पी इज इक्वल टू 360, 240 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 240, पी की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, जिसका 120 है उसका ठीक है, इसने 60 लगाया इस पक्का उस पर्सन का गलत है। नोट डाउन कर दो, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें बताना है इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे, मतलब ठीक है, बेसिकली नेचर फाइंड करना, नेचर फाइंड करने के लिए हमें डी चाहिए होता है। अगर डी 1 से बड़ा है तो रियल रूट्स होंगे, डी इक्वल टू 1 है तो इक्वल और रियल होंगे, और डी लेस देन 1 है तो अनरियल या फिर इमेजिनरी रूट्स बोल सकते हैं मुझे। अब स्टार्ट करते हैं, इसका डी फाइंड करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो b कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा 2, c हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा 36, 4 टू जा 8 और 8 7 56, प्लस का 56, तो ये हो जाएगा 2 5 6 7 8 92। d 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, इक्वल नहीं होंगे, रियल अनरियल इमेजिनरी नन ऑफ दीज। d 92 आया इसका मतलब रियल होंगे, लेकिन ऑप्शन में रियल और इक्वल, इक्वल तो नहीं है, रियल और अनइक्वल ही होंगे इसके। अगर d 0 के इक्वल होता तो इक्वल वाले आते। करो नोट डाउन इसको, डन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका पैरीमीटर फाइंड करना है। ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या है, एक है हमारे पास 0.4, एक है 0.0 और एक है 3.0। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों साइड फाइंड कर लेनी है। ठीक है, पहले ए बी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट करूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह आ रहा है ए बी। तो ए बी हो जाएगा ऐसे मेरा अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ए बी आ जाएगा ऐसे अंडर रूट 16, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही ए सी फाइंड करता हूँ, ए सी का भी सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, यह आ जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है 5 की, ए सी आ गया ऐसे 5। हमें बी सी और फाइंड करना है, बी सी में भी सेम लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये सिंपल 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, या फिर यहाँ से काट देता हूँ डायरेक्ट, कितना बच जाएगा 3, तो 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 12। नोट डाउन करो इसको, डन। नेक्स्ट पे आ रहे हैं क्वेश्चन पे, फिफ्थ पे, इन्होंने बोला 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो यहाँ पे 2 को उधर भेज देते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन में 2,
और साइन रूट थ्री अपॉन में टू कब होता है? साइन 60 पर. तो साइन से साइन कट जाएगा, टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. ये आ गया आंसर, नोट डाउन करो. ये वाला हो गया क्वेश्चन सिक्स पे आते हैं. द लेंथ बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर. इन्होंने बोला है 21 है और एरिया कितना कवर होगा उसमें बताना है 10 मिनट में. सबसे पहले हमें थीटा की नीड है. हम थीटा कैसे निकालेंगे? 10 मिनट दे रखा है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60. और डिग्री में चेंज करना है तो 366, यहां पे आ जाएगा 60 डिग्री. रेडियस कितना है? 21. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ये हो जाएगा 60 अपॉन में 360. पाई कितनी है? 22/7. रेडियस कितना है? 21 इंटू में 21. 7 3 21, 6 पर 3 2 6, 11. 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 231 का है, ये वाला आंसर हो जाएगा. नोट डाउन करो, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. पीवाई किस तो काफी, सॉरी एमसीक्यू तो काफी इजी करके पेपर में. नेक्स्ट पे आते हैं. इन्होंने क्या बोला है? एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, ठीक है. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी इज प्राइम नंबर लेस देन 23. पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं. 23 से कम कौन कौन से होंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19. 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये 8 नंबर है. तो क्या होगी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी? 8. और टोटल हमारे पास डिस्क कितनी है? 90 अपॉन में 90. कटिंग करूंगा तो 4 अपॉन में 45 क्या आ जाएगा इसका आंसर. करो नोट डाउन, नेक्स्ट वाले बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है डीईएफ, ठीक है. इन्होंने क्या बोला है? इसका पैरीमीटर है 30 और इसका पैरीमीटर है 18. इन्होंने बोला है ए बी कितनी, यहाँ पर ए बी नहीं सॉरी वो दे रखा है कितना, बी सी दे रखी है 9. हमें ई एफ फाइंड करनी है. हमने क्या सीखा था? जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया की स्क्वायर की साइड इक्वल, स्क्वायर की रेशियो इक्वल हो जाती है और पैरामीटर की रेशियो इक्वल हो जाती है. तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और साइड की रेशियो भी एक दूसरे के इक्वल. तो मैं क्या लिखूंगा? पैरामीटर ऑफ ए बी सी अपॉन में पैरामीटर ऑफ डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, क्योंकि पैरामीटर साइड की रेशियो क्या है? इक्वल. एरिया का स्क्वायर रहेगा हमेशा याद रखना. यहां पर आएगा 30 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 9 अपॉन में एक्स. करते हैं, 3 10 30, 3 6 18, 2 5 10 और 2 3 6. अब x की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगी यहाँ से 3 9 अपॉन में 5. x आ जाएगा 3 9 27 अपॉन में 5. तो 5 5 25 और पॉइंट का 2 5.4. मेरे को चला तो नहीं करा ना, 5.4 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 5.4 आंसर आ जाएगा. नोट डाउन करो. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. इन्होंने बोला है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ लाइंस विल बी कंसिस्टेंट. कब होता है कंसिस्टेंट? जब होगा, जब आंसर आएगा. तो आंसर दो सिनेरियोस में आएंगे, या फिर वो इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर कोइंसाइड कर रहा हो. पैरेलल लाइंस में कभी भी आंसर नहीं आता, तो ये क्या होता था हमारा? इनकंसिस्टेंट. और ये दोनों क्या है? कंसिस्टेंट. तो इन्होंने बोला कंसिस्टेंट कब होगा? जब वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगी और पैरेलल होगी. सिंपल. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन 10, वेट ऑफ द 40 एग्स रिकॉर्डेड एज द बिलो, ठीक है. लिख लेते हैं यहाँ पे 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105 और 105 से 110. हमें फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 10 12 12 4 2. हमसे मीडियन की लोअर क्लास पूछेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? सी एफ. 10 का 10 आ जाएगा, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 22 प्लस हो जाएगा ये 34 34 38 और ये हो जाएगा 40. इनका सम भी 40 है, मतलब ठीक है. अब n बाई 2 फाइंड करते हैं. n कितनी है मेरी? 40 अपॉन में 2 मतलब 20. 20 से पहला बड़ा नंबर आ रहा है ये, तो ये है मेरी मीडियन टर्म. इसकी लोअर क्लास लिमिट पूछी थी, 90 की हो जाएगी मेरी लोअर क्लास लिमिट, ये हो जाएगा आंसर. नो डन कर लो. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन p एंड द x एक्सिस, ठीक है. p हो जाएगा -3, -4. अच्छा, x एक्सिस इसके लिए जल्दी से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा कि ओरिजिन वगैरह कुछ भी नहीं बोल रखा है. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश. -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. पॉइंट था -3 और -4, तो ये होगा -3 और -4. इन्होंने बोले x एक्सिस से कितनी दूर होगा? x एक्सिस से भाई ये इतनी दूर है और ये कितना डिस्टेंस यहां लेकर आया तक? 4 यूनिट का. तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 यूनिट. नोट डाउन कर लो.
सिंपल. नेक्स्ट पे चलते. नेक्स्ट ये कह रहे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल. कोई पी पॉइंट है, इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी याद तक ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट को जब भी टच करता है कितनी डिग्री पे, 90 पर. तो यहां पर ही हाइपोटेन्यूज बन जाएगा. एच का स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगी हमारी, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर. एच आ जाएगा मेरा 25 प्लस 100. एच का स्क्वायर आ जाएगा 125. तो एच आ जाएगी मेरी यहाँ से अंडर रूट 125. इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 125. नोट डाउन करो इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी विल बी मेक. ठीक है, हमें एस एन दे रखा है, सम दे रखा है 406 और एपी दे रखी है 3, 7, 11, 15 and 55. तो ए दे रखा है ऐसे 3, ए एन दे रखा है 55 और डी दे रखा है 7 - 3 मतलब 4. हमें बताना है एन कितना होगा. एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं ना, एन अपॉन में 2 2a + n - 1d और एक होता है एन अपॉन में 2 a + an. तो एस एन कितना है 406, एन अपॉन में 2 a कितना है 3 और a n कितना है 55. तो ये हो जाएगा 406 = n / 2 58. इसे कटिंग करूंगा यहां पे ये आएगा 2 = 17. तो यहां पे आ जाएगा 406 / 27. 3 के टेबल से काटूं तो 3 के टेबल तो कटिंग भाई 29 आएगा शायद, सॉरी 4 2 9 = 18. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. 29 406 से पक्का जा रहा होगा और किस पे जा रहा होगा ये देखना है बस हमें. 29 को 406 से डिवाइड करते हैं, 29 बचेगा 116. 29 के टेबल में आएगा 4 पे, 4 9 = 36, 4 2 = 8, 9 11. हाँ तो ये 14 पे जा रहा है, तो n की वैल्यू क्या देगी ऐसे 14. नोट डाउन करो. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज जीरोज आर, मतलब अल्फा दे रखा है 5 और बीटा दे रखा है -3. इक्वेशन बनानी है हमें, एक फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट. यहां पे आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा. x² आ जाएगा माइनस 5 प्लस -3 इंटू में x प्लस 5 इंटू में -3. तो x² माइनस यहां पे आ जाएगा 2x माइनस का 15. तो इक्वेशन बनेगी x² माइनस 2x माइनस 15. कहां पे आ रहा है x² माइनस 2x माइनस 15. बी आंसर हो जाएगा इसका. नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन में 15 क्या बोल रहा है, अ मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज क्रेव्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ 6. तो इजी है, इन्होंने बोला क्यूब है, इसमें से क्या निकालना है हमें, एक मैक्सिमम स्फीयर निकालना है. तो कुछ इस तरीके का स्फीयर होगा. तो इन्होंने बोला ऊपर से जैसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ इस तरीके का स्फीयर होगा. अगर ये जो क्यूब है ये 6 सेंटीमीटर का मीटर का है, हाँ 6 सेंटीमीटर का है, तो ये जो मेरा स्फीयर होगा इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 6 मीटर होगा. मैक्सिमम से ज्यादा तो आ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा. डन, नेक्स्ट वाले पे आते हैं. अ वर्टिकल स्टिक ऑफ 1.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है 1.8 मीटर लॉन्ग एक स्टिक, कास्ट अ शैडो 45 सेंटीमीटर. 45 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर रहा हूं, ये हो जाएगा 0.45 मीटर, मतलब 100 से डिवाइड कर दूंगा. मैं पहले तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0.54 हो जाएगा, 0.45 मीटर. ठीक है, और दूसरे में क्या बोल रहे कि एक 6 मीटर हाई पोल है, वो कितनी लंबी शैडो कास्ट करेगा, इसे x मान लेते हैं. इसको बोलते हैं ए बी सी, इसे बोलते हैं पी क्यू आर. एक बात बताओ, दोनों वर्टिकल पोल है तो 90-90 डिग्री पे होंगे, बाकी इनका एंगल ऑफ एलिवेशन और डेविएशन सेम होगा, क्योंकि इस टाइम संख्या है सेम एंगल पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डेविएशन सेम हो जाएगा. तो मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अब मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर. ए बी कितना है 1.8, पी क्यू कितना है 6, बी सी कितना है 0.45 और ये कितना है x. स्टार्ट करते हैं x इधर चला जाएगा, क्या जाएगा 0.45 इंटू में 6 अपॉन में 1.8. पॉइंट आगे 0 मतलब 10 और यहाँ से पॉइंट आगे नीचे 100. 6 3 = 18, 3 1 = 15, 5 2 = 10, 5 2 = 10 = 0, 5 3 = 15, 5 4 = 20. ये हो जाएगा 1/2. 0.5 कुछ गलत कर दिया मैंने, एक मिनट, 1.8 अपॉन में 6 इज टू 0.5 अपॉन में x. x जाएगा उधर, 0.45 इंटू में 6 अपॉन में 1.8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100. 0 0 कटा, 6 3 = 18, 3 से कटा 15 पर 1.5 आ जाएगा. यहाँ पे देखा 15 अपॉन में 10, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी कोई, 1.5 मीटर. नोट डाउन कर लेना. नेक्स्ट पे ले,
क्वेश्चन 17 में क्या बोला है, 3x cosec के इक्वल है, 3x इसके इक्वल है cosec के, और 3 अपॉन में x इज इक्वल टू cot के इक्वल है, हमें निकालना है x square minus 1 by x square, तो सिंपल सा है कि इसका स्क्वायर करके दोनों को माइनस करके, तो सबसे पहले स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, यहां पे हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा cosec का स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 3 अपॉन x का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा cot का होल स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू cosec का स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू cot का स्क्वायर सेकंड इक्वेशन, दोनों कर देंगे माइनस, 9 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर माइनस माइनस, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर कितना होता है 1, यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, 9 यहां पर मल्टीप्लाई है, वहां से क्या हो जाएगा डिवाइड का, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9, ठीक। क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, यहां पर 3 चाहिए, तो मुझे इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उधर भी, तो यह आएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 9 इंटू में 3, तो इसे कट जाएगा 3 पर, तो ये आंसर क्या आएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 यहाँ पे गई, ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लो इसको, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। सॉरी, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 27, एचसीएफ दे रखा है 27, एलसीएम दे रखा है 162, और क्या बोला है उनमें से एक नंबर जो है वो है 54 और दूसरे नंबर हमें निकालना है, सिंपल दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ इनटू एलसीएम के इक्वल होता है, तो एक्स आ जाएगा ऐसे 27 इनटू में 162 अपॉन में 54, ये 2 पे जाएगा, ये आ जाएगा 81 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81, नो डाउट करो। नेक्स्ट असम्प्शन रीजन है, उन्होंने क्या बोला, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहां कोई ऑब्जर्वर खड़ा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखता है तो इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट, हाँ बिल्कुल सही बोला इन्होंने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या बोला जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूज्ड टू फाइंड हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हाइट और लेंथ हो या फिर डिस्टेंस फाइंड करने की यूज होती है, तो इसका ये हो जाएगा कौन सा कि ए ठीक है और बिल्कुल आर ठीक रीजन है, तो बोथ असम्प्शन ए एंड आर, बोथ असम्प्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड द रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाले क्या बोल रहे हैं, इन द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, द एंगल ऑफ सेक्टर पूछा है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 60 अपॉन में 360 22 बाय 7 आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 इंटू में 6, ये कटेगा 6 पर यहां पे गया, क्या आ जाएगा 22 इंटू में 6 अपॉन में 7 12 प्लस 132 अपॉन में 7, तो हाँ एरिया तो सेम आया कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल इज आर एस थीटा अपॉन 360 टू पाई आर, ये भी ठीक है फॉर्मूला तो सही होता है, लेंथ तो पार निकालेगा, लेकिन ये जो ये रीजन है ये इस असम्प्शन के साथ नहीं है, असम्प्शन फॉर्मूला दे रहा है और ये रीजन दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ असम्प्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, नो डन करो। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, साइन ए प्लस बी इक्वल है 1 के और कॉस ए माइनस बी इक्वल है 1 के, साइन ए प्लस बी 1 के इक्वल कब होता है, मतलब साइन 1 के इक्वल कब होता है, साइन 90 पर, 1 की जगह लिख दूंगा साइन 90, साइन से साइन कटा, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया 90 के, ऐसे ही कॉस 1 कब होगा, कॉस 1 होता है कॉस 0 पर, कॉस से कॉस कटा, ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया 0, ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट, दोनों का एलिमिनेट कर देता हूं, ए माइनस बी इक्वल टू 0, बी से बी गया 2a इक्वल टू 90, ए की वैल्यू आ गई यहां से 45, और ऐसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो बी कितनी आ जाएगी 45, नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट पे आता है इसके, इन्होंने क्या बोला, साइन स्क्वायर 30 इंटू में कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस 1 बाय 8 कॉट स्क्वायर 60, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 2 को होल स्क्वायर, कॉस 45 की होती है 1 बाय रूट 2 को होल स्क्वायर प्लस 4 टेन 30 की होती है 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 की होती है 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 8 और कॉस 60 की होती है 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 प्लस 4 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस 1 बाय 8 इंटू में 1 बाय 4, ठीक है
वन बाय फोर का वन बाय फोर ही आ जाएगा, माइनस वन बाय टू प्लस फोर बाय थ्री प्लस वन प्लस वन एट फोर जो 32 कॉस 60 जीरो वन बाय टू। हाँ ठीक है, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 32, उसके लिए तो नहीं कर रहा मैं, वन बाय एट कॉट 60 है, कॉट 60 सॉरी ये वन बाय रूट थ्री होगा, मैंने इसे कॉस पढ़ लिया गलती से, तो ये हो जाएगा 3, 80 से कितना हो जाएगा 24 और एलसीएम कितना आएगा 24, 4 6 24 6 2 इंटू 12 प्लस ये माइनस कहाँ से आया, अच्छा ये दोनों थे मल्टीप्लाई में और क्या मल्टीप्लाई में, बाकी सब प्लस में, ठीक है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 8 प्लस 4 बाय 3 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 24, 1 2 3 1, ठीक है एक एलसीएम आएगा 24, 8 3 24 3 8 24 8 4 32 प्लस 24 प्लस 1 प्लस करके आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 4 5 6 60 अपॉन में 24, अगर मैं काटूंगा तो 6 10 और 6 4 24 2 अपॉन में 5, ये आ गया मेरा आंसर। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। नेक्स्ट वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स है, मतलब ऐसे बांट लेते हैं 1 2 3 4, टोटल 360 डिग्री का होता है, अगर 8 पार्ट में बट गया तो हर एक थीटा कितने डिग्री का आ रहा है, 45 डिग्री का। रेडियस इन्होंने क्या बोला है, 42 है, थीटा का फॉर्मूला को रेडियस उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू गिवन नहीं तो 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 42 इंटू में 42, 7 6 42 45 से जाएगा ये, मतलब 5 से काटते ना, 5 9 45 5 7 35 5 2 10 9 8 72 2 4 8 2 3 6 11 2 ये कटेगा तो यहाँ पर 21, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11 × 3 × 21 11 × 63 11 3 33 11 6 693 के आ गया मेरा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब चीज़ सेंटीमीटर गिवन है। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉर्स वाला भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक सिंपल सा इन्होंने बोला स्क्वायर फीट है जो 15 मीटर लंबी, यहाँ से इन्होंने बोला 5 मीटर उसकी रोप है जितना वो खा पाते, तो एक सेक्टर बन रहा है, सिंपल सी बात है स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो थीटा कितना हो गया 90, सिर्फ 5 मीटर तक जा सकते हो, रेडियस हो गया 5, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 360, पाई गिवन नहीं तो 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 5 × 5, ये 4 पे जाएगा 2 पे 11 पे ऊपर आएगा 11 × 25 अपॉन में 7 2 14, 11 5 55, 11 2 22 22, 22 और 5 275 अपॉन में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे भी छोड़ देना भाई में, और टाइम मिले तो सॉल्व कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, नेक्स्ट पे ले क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द पेयर ऑफ लाइंस नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल लाइंस होती है, मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 पर नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, इक्वेशंस क्या है, kx − 3y = k − 2, अगली क्वेश्चन क्या है 12x − ky = a, यहां से a1 क्या जी k अपॉन में 12 माइनस 3 अपॉन में माइनस k इज इक्वल टू k − 2 अपॉन में k, इसकी तो नीड ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो, इन दोनों एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, माइनस से माइनस कर दिया, k अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर 12 3 से 36, k आ जाएगा अंडर रूट 36, मतलब k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6, नोट डाउन करो आपसे। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक सर्कल है इनस्क्राइब इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके अंदर एक सर्कल है ए बी सी, इन्होंने क्या बोला है, बी सी पे है पी, सी पे है क्यू और ये है आर, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी है 10 सेंटीमीटर पूरी, यहां से लेकर ये है 10 सेंटीमीटर, ए क्यू है 7, ये है 7 और सी क्यू कितना है 5, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें लाइन फाइंड करनी है बीसी और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है अब एक बात, तो ये 7 है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 7, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है, ये पूरा 10 था, ये 7 दर्ते हुए हो गया 3, ये भी कितना हो गया 3, ये 5 है तो 5, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो BC की लेंथ 8 आ गई, तो BC into 2 पूछा गया था, तो 8 into 2 कितना होता है 16 हो जाएगा आंसर। थ्योरम 10.2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमेशा एक दूसरे की होती है इक्वल। डन, नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द रेशियो इन दिस लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइड द एक्स एक्सिस, ठीक है y एक्सिस कह रहा है ना, सॉरी a दे रखा है हमें 1, -5, ये कोई पॉइंट होगा हमें नहीं पता, और ये b पॉइंट दे रखा है, ये बोला है यहां पे 4 और 5, -4 और 5 सॉरी
माइनस फोर और फाइव, सिर्फ माइनस यहाँ पे लगा, ध्यान से देखा ठीक है। और ये y एक्सिस पे काट रहा है, हमने सीखा है y एक्सिस पे x क्या होता है हमेशा जीरो, रेशियो मान लेते हैं k टू वन। अब वैल्यू पुट करते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स कॉमा वाई एक्स टू वाई टू और ये हो जाएगा एम वन एम टू, इस पॉइंट का नाम रख लेते सी। तो सेक्शन फॉर्म में लगेगा, लगा देते हैं एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू कॉमा एम टू एक्स टू एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू अपॉन में एम वन प्लस एम टू। वैल्यूज पुट करें, एक्स वाई क्या आ जाएगा जीरो कॉमा वाई, एम टू कितनी आ जाएगी वन, एक्स वन कितना आ जाएगा इंटू में वन प्लस एम टू कितनी है, एम वन कितनी है के और एक्स टू कितनी है मेरी माइनस का फोर अपॉन में आ जाएगा के प्लस वन कॉमा वाई की वैल्यू निकालने के लिए बोला इन्होंने, नहीं रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है तो इसको मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मुझे पता है ये किसके इक्वल है जीरो के इक्वल। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू वन इंटू वन माइनस फोर के अपॉन में के प्लस वन, के प्लस वन वहाँ तक हो जाएगा जीरो, ये आ जाएगा वन माइनस फोर के, माइनस फोर के वहाँ तक हो जाएगा प्लस का फोर के इज इक्वल टू वन और के की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन में फोर। सिर्फ रेशियो फाइंड करने के लिए बोला तो ये आ गया आंसर। अगर ये y को कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए बोले तो k की वैल्यू यहां पे पुट कर देना और आपका ये आंसर आ जाएगा। डन, नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने क्या बोला, सेक्शन 3 आगे सी आ गया, इन इक्वेशंस सॉल्व करना ग्राफिकली। मैं आपको ग्राफ तो नहीं है तो पर बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट बनाना सिखा दूंगा, आप पुट खुद करोगे। इससे हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, कम से कम तीन तो ले लेना, दो से भी निकल जाएगा पर आप तीन लेना शॉर्टी के लिए। जैसे कि अगर मैं y को 1 लेट करता हूं तो क्या होगा, लेट y is equal to 1, तो 2x minus 3 into में 1 plus 13 is equal to 0, तो याद रखेगा 2x minus 3 plus 13 is equal to 0, 2x plus 10 is equal to 0, plus का 10 वहाँ जाके minus का 10 और 2 की वैल्यू आ गया से x की वैल्यू आ गई minus 5, ठीक है। ऐसे कोई और वैल्यूज ले लूँ, अब उसको अगर मैं x को 0 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू जीरो माइनस थ्री वाई प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो ये बच जाएगा माइनस थ्री वाई प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो, प्लस का 13 वहां जाके माइनस का 13 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 13 अपॉन में 3। ऐसे तीन कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे, सेम दूसरी वाली क्वेश्चन के भी तीन कोऑर्डिनेट फाइंड कर देंगे और उन्हें ग्राफ पे पुट कर देंगे, ये आप खुद करोगे, बस देख लो कि कैसे उसके पॉइंट निकाले कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, प्रूव नहीं रहा टैक्सी चार्ज इन अ डे। अच्छा एक टैक्सी है जो फिक्स चार्ज लेती है, मैं मान लेता हूं फिक्स चार्ज है हमारा x, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग किलोमीटर डिस्टेंस है उसके हिसाब से लेगी, तो उसके एक किलोमीटर का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं पर किलोमीटर का y। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ पर्सन ट्रैवल 60 किलोमीटर, भाई गाड़ी में बैठते उसने x रुपए तो दिए, अब 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 60 इंटू y कितने रुपए दिए उसने 960, और एक दूसरा पर्सन है जिसने 80 किलोमीटर ट्रैवल करा तो x उसने दिया होगा इंटू में 80y और टोटल कितने रुपए दिए 1260, तो हमें निकालना है फिक्स चार्ज कितना होगा और पर किलोमीटर दोनों फाइंड करने हैं। यहाँ पे माइनस 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 करते हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस का 20y इक्वल टू माइनस का 00300, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1550, तो जो पर किलोमीटर चार्ज कितना है वो 15 है। अब इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ, x प्लस 60y is equal to 960, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 इंटू में 15 इज इक्वल टू 960 आएगा x प्लस 1500, 15 6 का कितना होता है 6530, 900 इज इक्वल टू 960, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 960 माइनस 900 और x की वैल्यू आ गई 60। करो नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिंपल प्रूव करना है अंडर रूट 3 को इरेशनल। ये तो बिल्कुल लर्न हो चुका है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अंडर रूट 3 अ रैशनल नंबर, अगर अंडर रूट 3 रैशनल नंबर हो गया तो किसके इक्वल हो जाएगा p बाई क्यू के, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। फिर स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसे मानेंगे इक्वेशन 1 और q स्क्वायर यहाँ रहेगा तो ये आ जाएगा नीचे अपॉन में 3। अब मुझे पता लग गया p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, p को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई c कांस्टेंट बचेगा। अब दोबारा स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू c स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमने निकाली थी पहले 3q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 3q स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू c स्क्वायर,
ये कटेगा यहाँ पर थ्री का, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में थ्री इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पता लगा, क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो सॉरी क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। अब देखो P भी 3 से डिविजिबल है और Q भी 3 से डिविजिबल है, तो हमने जो माना था को प्राइम है वो क्या है, गलत। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कर लो डन। नेक्स्ट पे आते हैं 28 में क्या बोला, एक बैग है जिसके अंदर टोटल कितनी बॉल्स है, टोटल दे रखा है 18 बॉल्स, जिसमें हमें नहीं पता विच बॉल्स सम बॉल्स आर रेड। मैं बोलता हूं टोटल रेड बॉल कितनी होंगी, सिर्फ एक्स है, मुझे नहीं पता कितनी है। इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट इफ द वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। ठीक है, अगर रेड एक्स है तो नॉट रेड कितनी हो जाएगी, 18 माइनस एक्स। तो इन्होंने बोला क्या है प्रोबेबिलिटी नॉट रेड हो रहेगी, तो नॉट रेड कितनी बॉल है 18 माइनस एक्स और टोटल बॉल कितनी है 18। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे, इफ टू मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। ठीक है, अब थोड़ी सिचुएशन लग गई, पहले टोटल 18 थी, अब टोटल कितनी हो गई 20 और रेड बॉल आई है, तो पहले रेड एक्स थी, अब रेड हो जाएगी एक्स प्लस 2। इन्होंने क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। अच्छा, पहले वाले केस में रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, एक्स बाय 18। तो ये क्या कह रहा है कि अब जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ रेड बॉल, यहां से जब रेड बॉल निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स बाय 2 अपॉन में 20, वो क्या है 9/8 टाइम्स है पहले वाले के, पहले वाला कितना है एक्स अपॉन में 18। सॉल्व करें से याद आएगा एक्स प्लस 2 अपॉन में 20, 9 2 18, एक्स अपॉन में 16, 4 4 16, 4 5 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 4x प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 5x, ये आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये आ गया आंसर। इतनी रेड बॉल्स होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 की दोनों पार्ट एनसीईआरटी से है, ध्यान से ना, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल है, हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस। स्टार्ट करें, सबसे पहले मुझे पता है एपी किसके इक्वल है, ए एस के, ए पी इज इक्वल टू ए एस, एस ई पी भी किसके इक्वल है बी क्यू के, ऐसे ही सी आर किसके इक्वल है सी क्यू के, और ऐसे ही डी आर किसके इक्वल है डी एस के। इन चारों क्वेश्चन लिखते थे 1, 2, 3 और 4। रीजन सबका सेम ही है, थ्योरम 10.2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। सबको प्लस कर देता हूँ, ए पी ए बी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। पहले मैंने ए एस और डी एस को एक साथ लिख दिया और फिर बी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिख दिया। ठीक है, ए पी और पी बी को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा ए बी, सी आर और डी आर को प्लस करूंगा तो सी डी, ए एस एस को करूंगा तो ए डी और बी क्यू और सी क्यू करूंगा तो बी सी। ठीक है, इसका मतलब यह है, अब ध्यान से ना, इसे रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने का मतलब क्या है, किसकी सारी साइड इक्वल आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पहले बोला पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पहले से क्या होती है इक्वल, इसका मतलब भाई ए बी किसके इक्वल है डी सी के और AD किसके इक्वल है BC के, अपोजिट साइड से दूसरे के इक्वल दे दिया। अब मुझे बस एडजेसेंट साइड्स को इक्वल लाना है, तो किसी भी दो साइड को ले लेता हूं, इन्हीं को ले लेता हूं, तो मुझे चाहिए AD और DC, बस इन दोनों पे फोकस करता हूं, मुझे चाहिए AD और CD। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिकली सारी साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा रॉम्बस। अब ध्यान से देखो, मुझे सिर्फ CD चाहिए, AB नहीं चाहिए, तो AB किसके इक्वल है CD, तो AB की जगह लिख दूंगा CD प्लस CD। ऐसे मुझे यहां पर AD चाहिए BC नहीं चाहिए, AD किसके इक्वल है BC, तो प्लस AD, 2 of CD is equal to 2 of AD, 2 से 2 कट गया, CD किसके इक्वल है AD का। अब मैं लिख सकता हूँ कि हेंस प्रूव्ड कि अगर ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है ऑटोमेटिक ये भी इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिक सारी साइड इक्वल हो जाएगी और ये क्या प्रूव हो जाएगा रॉम्बस। जब एग्जाम में करोगे तो अच्छे से गिवन प्रूफ टू प्रूफ सब कुछ लिख के करना ताकि इसके नंबर मिले। और हाँ, फिगर बनाना मत भूलना चाहे कुछ भी हो जाए, एक बेसिक सा लेआउट होगी, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। नेक्स्ट वाले भी एनसीईआरटी गए, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबस्टेंट सप्लीमेंट्री। ठीक है, एक वो है क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे है सर्कल, इसने बोला इसके अपोजिट साइड जो है वो कितने का एंगल बना रहे हैं यहाँ पर 180 का सप्लीमेंट्री। इसे ओ ले लेते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस,
यहाँ करते हैं इसे ज्वाइन और इसे ज्वाइन, इन दोनों का सम होना चाहिए। मैं इसका एंगल का नाम रखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो मतलब 2 ये जो एंगल है कौन सा, एंगल एओसी प्लस एंगल डीओसी का सम कितना होना चाहिए 180। ये प्रूव करना है हमें बेसिकली, अगर एओसी कितना एंगल 2 प्लस एंगल 3 और डीओसी कितना एंगल 7 प्लस एंगल 7, इसका सम होना चाहिए 180। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले ट्राइंगल एओपी और ट्राइंगल एओएस की, इन दोनों कॉन्वेक्स प्रूव करता हूं। सबसे पहले दोनों में एओएओ क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। उसके बाद पीओ किसके इक्वल हो जाएगा ओएस के, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, और ऑटोमेटिकली एएस किसके इक्वल हो जाएगा एपी के बाय थ्योरम 10.2 कि एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट एक दूसरे के होते हैं इक्वल। तो बोल सकता हूं ट्राइंगल एओपी कॉन्वेक्स ट्राइंगल एओएस के बाय साइड साइड साइड, ऑटोमेटिकली एंगल 1 किसके इक्वल हो गया एंगल 2 के। अब ऐसी मैं बाकी सब में करूं तो सिमिलरली सब क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। यहां तो कोई डाउट है? अब एक बात बताओ, मैं इन सारे एंगल्स को प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360। मुझे चाहिए बस 2 3 7 और 6, मुझे चाहिए 2 3 7 और 6, बाकी सबको हटा देता हूं। 1 किसके इक्वल है 2 के, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, 3 4 किसके इक्वल है 3 के, तो यहां पर आ जाएगा 3, 6 किसके इक्वल है 5 के, तो आ जाएगा 6 प्लस 6 7 चाहिए, और 8 किसके इक्वल है 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से कट जाएगा 180 पर, और आ गया मेरा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ करना था मुझे, हैंस प्रूफ करना था, एग्जाम में याद रखना, गिवन प्रूफ लिखना मत भूलना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, प्रूव दैट साइन थीटा, ठीक है, साइन प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक प्लस कॉस प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसको आर एस स्क्वायर पे छोड़ देते हैं, आखिर मिल जाएंगे। ये साइन स्क्वायर ऐसे आएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ऐसे आएगा, या देखिए 2 इंटू साइन, कॉसेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में साइन, प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे आएगा, सेक स्क्वायर ऐसे आएगा, या देखिए 2 इंटू में कॉस इंटू में 1 बाय कॉस, ये कट गया यहाँ से, ये कट गया इसे, सेक को मैंने क्या लिख दिया 1 बाय कॉस, यहाँ पे मेरे क्या बच गया साइन स्क्वायर, इसके साथ लिख दो मैं प्लस का कॉस स्क्वायर, प्लस का 2, और ये वाला भी यहाँ पे क्या बच गया 2, इधर बच गया बस कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस का कितना होता है 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। अच्छा मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ऐसे ही सेक स्क्वायर किसके क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो sec स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो sec स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और क्वेश्चन में ये प्रूफ कर रहा था 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। लिख लो आराम से, स्टार्ट द क्वेश्चन में 31, क्वेश्चन में 31 में क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, इक्वेशन क्या दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। पहले इनके वो फाइंड कर लेते हैं रूट्स, 2 इंटू 12 कितना होता है 24, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 24 है, माइनस करके आए 5, ये होता है 8 से 24 और 8 माइनस 3 5, इसे स्प्लिट करते हैं, प्लस का 8x माइनस का 3x, आगे 2x स्क्वायर आ जाएगा पीछे माइनस का 12, यहाँ से 2x कॉमन में आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 4 माइनस 3 एक्स प्लस 4, एक आंसर आ गया x प्लस 4 और एक आंसर आ गया 2x माइनस 3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जीरो के इक्वल रख देता हूँ तो प्लस का 4 वहाँ जाके माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 3 अपॉन में 2, तो अल्फा आ गया 3 अपॉन में 2
और बीटा आ गया माइनस का 4। इसकी रिलेशनशिप क्या बोला है वो करने के लिए वेरीफाई, तो एक बार सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में सम ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस का 5 और ए कितना है 2। अल्फा कितना है मेरा 3/2 प्लस का माइनस का 4 इज इक्वल टू -5/2। इसका एलसीएम लेते हैं 2, 3 + 2, 4 - 8 इज इक्वल टू -5/2। ये आ जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। और एक बार लगा लेते हैं इसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है सी बाय, तो सी कितना है इसका 12 और ए कितना है 2 और प्रोडक्ट रूट्स होएगा 3/2 मल्टीप्लाई सॉरी -12 मल्टीप्लाई माइनस का 4। ये कट गया माइनस का 2, 3 - -6 और ये कट के आ जाएगा -6। रूट्स भी वेरीफाई हो गए, लिख लो आराम से। डन, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ क्यूबॉडिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज दिस। ठीक है, एक क्यूबॉडिकल ब्लॉक था हमारा, इसमें से क्या करें हेमिस्फेयर निकाला ना, एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या बोल रहा है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक 21 सेंटीमीटर, इसकी साइड थी 21 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। ठीक है, हमें क्या करना है, क्यूब की वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या कर देना है माइनस, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी, ए की क्यूब, और हेमिस्फेयर की क्या होती है 2/3 πr की क्यूब। तो ए कितनी हो जाएगी 21 × 21 × 21 -2/3 पाई, कुछ वैल्यू नहीं बोला तो 22/7 और आर की क्यूब मतलब 21/2 × 21/2 × 21/2 क्योंकि यहाँ तक ये 21 है तो डायमीटर भी 21, रेडियस हो जाएगा 21/2। कटिंग करते हैं 3 7 से 21, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से कटा 11 पे ये आ गया 441 × 21 -11 × 441/2। क्लियर है, 441 कॉमन ले लेते हैं, ऐसे ये रह जाएगा 21 -11/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 के टेबल में 42 -11 आ जाएगा 441 × ये आएगा तो 31/2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 441 × 31 ये आ जाएगा 441 × 3, 3 = 12 + 1 = 13, 17631 तो आ जाएगा 13671/2 और इसे डिवाइड करो तो 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 10.2 cm³ क्योंकि वॉल्यूम में तो क्या आएगा क्यूब। ये आ गया इसका आंसर। कैलकुलेशन पर रीचेक कर लेना, बहुत जल्दी में कर रहा था। इसके सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, अ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, एक सिलेंडर की शेप का सॉलिड है हमारे पास, इसके एंड में हेमिस्फेयर है, ऐसा कुछ शेप का है। इन्होंने क्या बोला, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना है 19 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर का डायमीटर है, सिलेंडर का डायमीटर बोले ना, हाँ 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा ऐसे 3.5, तो ये भी हो जाएगा 3.5 यहाँ से और ये भी हो जाएगा 3.5। अब मेरे को इसकी हाइट चाहिए एग्जैक्टली, तो इन दोनों 19 में से 3.35 मतलब 3.7 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 12। अब क्या बोला क्वेश्चन निकालने, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 πr की क्यूब। क्या क्या कॉमन है इसमें से, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, बस यहाँ पे आ जाएगा एच प्लस 2 × 2/3 × r। पाई आ जाएगा 22/7, रेडियस आ जाएगा 35/10 × 35/10, मैं 3.5 का पॉइंट नीचे डाके पहले जीरो लगा रहा हूँ, एच दे रखा है मुझे 12 + 2 = 4/3 × 35/10। इसको सॉल्व करना है, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 = 11 पर 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 11 × 7 = 77/2। अंदर देखते हैं क्या होगा, 2 से कट रहा है 5 पे, 5 से कट रहा है 7 पर, तो अंदर आ जाएगा 12 + 2 = 14/3। इसका एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 77/2, 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 12 × 36 + 14, 77/2 इज इक्वल टू 10, 3 = 4 = 50/3, इसे कटेंगे 25 पर, यहाँ पर आ जाएगा 77 × 25/3, तो 25 7 से कितना हो जाएगा, कर लेते से 77 × 25
इसको डिवाइड कर देना आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। 3 6 18 कर देता हूँ, 3 6 18 10 आ गया, वो 3 6 18 12, 3 4 12, 3 1 3.20 आ जाएगा, 3 6 18 एंड समथिंग चलता रहेगा। सेंटीमीटर क्यूब लगा लेना, वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकल गया। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रखा है, तो सरफेस एरिया निकाल देते हैं। एक बार से नोट डाउन कर लो, फिर अब करता हूँ। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इसका, एक मिनट को पहले फिगर बना देते हैं दोबारा। ये था यहाँ से लेकर तक 12 और रेडियस था 3.5, ये भी 3.5 था, ये भी 3.5 था। ठीक है, सरफेस एरिया के लिए निकालने के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि सिलेंडर का भी कर्व आ रहा है और हेमिस्फीयर का भी बस कर्व आ रहा है। सिलेंडर सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 इंटू में 2πR2 मार्क्स फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 10, x, 25, 30, y और 10, और टोटल भी दे रखा है 100। क्वेश्चन पहले बोला मीडियन 32 है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं सबसे पहले। तो सी एफ निकालते हैं इसका, 10 का 10, 10 प्लस x, ये 10 है सॉरी, 10, 10 प्लस x, ये हो जाएगा 35 प्लस x, ये हो जाएगा 65 प्लस x, 65 प्लस x प्लस y, 75 प्लस x प्लस y, ये इसके इक्वल है क्योंकि लास्ट वाले नंबर इक्वल होते हैं। क्वेश्चन पहले गिवन है मीडियन 32 दे रखा है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, और मीडियन किस में देगा 32, तो 32 किसके बीच में आएगा, 30 और 40, तो ये मेरी क्या है मीडियन क्लास। ये हो जाएगी मेरा L, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और ये हो जाएगा मेरा CF। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाय 2 माइनस CF इनटू में F इनटू में H। मीडियन दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 32, L कितना हो जाएगा 30 प्लस n बाय 2 मतलब 100 बाय 2 माइनस सी एफ कितना है 35 प्लस एक्स और अपॉन में एफ कितना है 30 इंटू में 10। स्टार्ट करते 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये कटेगा 50, तो जाएगा 50 माइनस 35 माइनस एक्स, क्योंकि माइनस ब्रैकेट खुलेगा दोनों आ जाएगा 30 इंटू 10, इसे कट जाएगा 3 वहां चला जाएगा इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 15 माइनस एक्स, 15 प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का 6 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस का एक्स, और 6 में 15 जाएगा तो ये आएगा 4 प्लस 5 माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का x, बेटा करो 5 6 7 8 हां कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब मुझे पता है 75 प्लस x प्लस y किसके इक्वल है 100 के, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 75 प्लस 9 प्लस y इक्वल टू 100, तो ये आ जाएगा 75 प्लस 9 होता है 84 प्लस y इक्वल टू 100, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 84 मतलब 16। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, उसमें क्या बोला, पहले प्रूव दैट इफ द लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इज डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एक ट्रायंगल है मान लेते एबीसी है, इसमें साइड है ईएफ। क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है मेरे को कि भाई ईएफ क्या है, पैरेलल है बीसी के, ये बोला ना, हाँ हमें प्रूव करना है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो गए। बीपीटी याद है आपको, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, हाँ तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी, अब प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। गिवन दे रखा है ये, टू प्रूव क्या करना है हमें कि भाई ए अपॉन में ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, ये तो सिंपल बीपीटी से कर देंगे, तो लिखेंगे प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो
दोनों में से माइनस वन कर दूंगा, ए बी अपॉन में ए माइनस वन इज टू ए सी अपॉन में ए एफ इज टू माइनस, कल से आएगा ए ए बी माइनस ए, यहां पर आएगा इसका से आएगा ए एफ ए सी माइनस ए एफ। अब ध्यान से देखो, ए बी में से ए या तो क्या बचा, ए बी अपॉन में ए पर ए सी, ए सी में से ए एफ क्या बचा, क्या बचा, एफ सी अपॉन में। कुछ भी 35 बी पार्ट पे आते हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी ई और एफ, ये मिड पॉइंट्स है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्या हमें प्रूव करना है, ये पैरेलल है। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें कि भाई ई एफ पैरेलल है बी सी के, गिवन आप खुद लिख लेना। ध्यान से देखो, मुझे पता है ए अपॉन में ई बी की रेशियो निकालूंगा, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ए अपॉन में ए मतलब रेशियो क्या देगी 1:1, जिसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ए एफ अपॉन एफ सी की रेशियो निकालूंगा, तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन में ए एफ, दोनों की रेशियो क्या आएगी 1:1, तो ये हो गया मेरी सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कहता है, अगर साइड्स की रेशियो इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा, बीपीसी बीसी के। तो मैं लिखूंगा इफ ए अपॉन में ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू बीसी। सिंपल, नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बुक सेलर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स, मैं मान लो तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी, नंबर ऑफ बुक्स थी x और प्राइस था ईच बुक का, प्राइस ऑफ ईच बुक इज y। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, वो कुछ बुक्स लेके आए 1760 की, x बुक लाया होगा, हर एक का बुक प्राइस से y है, तो टोटल कितने रुपए खर्च करे, 1760। वो कह रहा है इफ यू हैड बॉट फोर मोर बुक्स, मतलब पहले x लाया था अब चार ले आता, तो उसे सेम अमाउंट देना पड़ता और इस पर कॉस्ट कितनी आती, जैसे पहले y आ रही थी तो कितनी आती, y माइनस 22 इज इक्वल टू 1760। इसे मान लेते फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू आ जाएगी 1760 अपॉन में y, पुट कर देते यहां पर 1760 अपॉन में y प्लस 4 इनटू में y माइनस 22 इज इक्वल टू 1760। इसका एलसीएम लेंगे, y आ जाएगा 1760 प्लस 4y इज इक्वल टू y माइनस 22 इज इक्वल टू 1760। ये y चला जाएगा वहां पर, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 1760 इनटू y हो जाएगा 1760y, 1760 इनटू 22 कितना हो जाएगा 1760 इनटू में 22 0 6 टू द 12 7 टू द 14 प्लस 15 2 टू द 3 तो 3520 0278 38720 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 88 y इज इक्वल टू 1760 y। ये वाला y यहाँ भेजते हैं मैंने, इसे रब कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, 1760 y से 760 पे आ गया, यहाँ पे बच गया 4y स्क्वायर माइनस 88 y माइनस 38720 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेता हूँ, y स्क्वायर माइनस 22 y माइनस 4 9 36 6 24 8 32 इज इक्वल टू 0,
फोर वहां से खत्म हो जाए, इक्वेशन आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 22 वाई माइनस 9680। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 22 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4 ए 1 और सी ए 17 सॉरी 9680 अपॉन में 2 इंटू में 1। यह आ जाएगा 22 प्लस माइनस 22 का स्क्वायर होता है 484 माइनस ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 0 4 8 32 4 6 24 27 4 9 36 38 अपॉन में 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 का 4 आ गया 8 9 10 7 8 9 11 12 9 3 9 2 0 4 और आप निकाल लेना 39204 होता है 198 का स्क्वायर। तो एक बार 198 को प्लस कर देंगे और एक बार 198 को माइनस कर देंगे, यह आएगा 220 अपॉन में 2 मतलब 110 और यहाँ पे आएगा इसे माइनस करके माइनस 176 अपॉन में 2 मतलब माइनस का 88। माइनस का कभी हो नहीं सकता, 110 ही होगा, तो यहाँ पे लगा देंगे y की जगह 110 अब 1760 अपॉन में 110 तो ये आ गया 116। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16, ये आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर दो इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस, मान लेते हैं मैन की एज है x और उसके बच्चे की एज है y। ये क्या कह रहा है, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द सन्स एज। ठीक है, पहली क्वेश्चन तो बन गई। ये कह रहा है हेंस 8 इयर्स मतलब आफ्टर 8 ईयर हेंस 8 साल बाद द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर मतलब आज x है तो x प्लस 8 हो जाएगा और बच्चे की y थी तो y प्लस 8। मैनस एज विल बी 4 ईयर मोर देन द थ्राइस द एज ऑफ सन, जो सन की एज थ्राइस होगा उससे भी 4 साल ज्यादा। तो ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 8 24 प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 28। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है 2y स्क्वायर, x की वैल्यू को पुट कर देंगे 2y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 28। सबको इधर ले आते हैं, 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 8 माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 20 कितना होता है 40, तो ये जाएगा सिंपल 8 5 जब 8y प्लस 5y माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। 8 5 से क्या होता है 40 और माइनस करके आ जाएगा 3। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन आ जाएगा y माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, ये आ गया से y माइनस 4 एक रूट और एक आ गया 2y प्लस 5, तो 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो 2y हो जाएगा माइनस 5, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 अपॉन में 2 और y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 तो y हो जाएगा 4। कभी माइनस पे तो एज जा नहीं सकती तो y की वैल्यू 4 होगी, तो सन की एज तो आ गई 4 और फादर की एज हो जाएगी 2 इंटू में 4 का स्क्वायर 2 इंटू में 16, फादर की एज आ गई 32। कर रहे नोट डाउन, क्वेश्चन में 36 पे आते हैं, क्वेश्चन में 36 क्या कह रहे हैं, ठीक है रेडियो टावर इज टू कम्युनिकेटिंग, ठीक है 2 मिनट आवर गाइडेड बाय द, ठीक है इसके क्वेश्चंस कैसे दे रहे हैं फिगर देख लेते हैं, 45 30 36 ए बी दे रखा है। नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं जो दे रखा था, ठीक है इन तीनों कैसे देने और फिगर क्या थी ए बी, वैल्यूज देख लेते फिर कंफ्यूज हो जाऊँ, ए बी कुछ और नहीं दे रखा था बस ये पी दे रखा है ना ओ, हाँ ए बी ओ ए बी ओ, इसको मान लेते हैं सी, ये दे रखा है 30 डिग्री और ये पूरा दे रखा है 45 डिग्री, ये दे रखा है 36। पहला वाला क्या है, बट इज द एंगल डिप्रेशन टॉप ऑफ द टावर 2.0, ठीक है टावर के ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, एक बात बताओ ये है 90 ये पूरा 45 है तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ कितना हो जाएगा 45, क्यों क्योंकि एंगल ए प्लस सी प्लस हो, अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करोगे तो कितना आएगा 180, ए फाइंड करना है सी है 90 वो है 45 इज इक्वल टू 180, ये आ जाएगा ए प्लस 5 185 इज इक्वल टू 180, 185 वहां जाके माइनस का हो जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितने को 45 डिग्री का। अगला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर स्ट्रक्चर फ्रॉम द पॉइंट टू द टॉप ऑफ द सेक्शन ए, ठीक है ये 45 तो हटा दो। अब इन्होंने बोला है वायर की स्ट्रक्चर क्या होगी, जैसे ये मान लेते वायर यहां से लेकर यहां तक टॉप तक, एक बात बताओ सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मेरे को हाइपोटेन्यूज चाहिए और मुझे बेस दे रखा है, तो एच और बी कहां पे आता है, एच और बी आता है बस कॉस में, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, थीटा पूरा लेंगे तो कितना लेंगे 45, कॉस 45, बेस कितना है सीओ, हाइपोटेन्यूज कितना है एओ, मतलब 36 अपॉन में वाई, ठीक है। कॉस 45 की लिखते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट 2 इज इक्वल 36 अपॉन में वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वाई की वैल्यू आ जाएगी 36 रूट 2, तो सेकंड वाला जो इन्होंने पूछा उसके आंसर क्या आ जाएगा 36 रूट 2। अगला इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन ए, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेक्शन ए, मतलब इस वाले की हाइट कितनी होगी, इसको रब कर दूं हाइट निकालने के लिए, इसको रब कर रहा हूं। मेरा सबसे इजी तरीका क्या होता है, दो ट्रायंगल दे रखे ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल दे रखा है बीसीओ और एक ट्रायंगल दे रखा है एसीओ, ठीक है, दोनों में पाइथागोरस लगाते हैं, सॉरी दोनों में वो लगाते हैं कि कौन कौन सा थीटा लग रहा है, मुझे हाइट चाहिए, तो हाइट और बेस एच और बी किसके अंदर आता है हमेशा, दोबारा लिखते हैं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाइपोटेन्यूज फॉर वो परपेंडिकुलर और बेस, पंडित बद्री प्रसाद ये आता है 10 में, तो 10 यूज करेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यहां पर भी 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, छोटे वाले का थीटा कितना है 30, तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसका BC और बेस कितना है 36, तो 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 * BC इज इक्वल टू 36, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 36 अपॉन में √3, इसे रैशनलाइज करेंगे तो आएगा 36 √3 अपॉन में 3, यहां से कटेगा तो आ जाएगा 12√3 इज इक्वल टू BC, ठीक है, BC आ गया 12√3। अब हमें AB की हाइट फाइंड करनी है, तो पहले AB देख लेते हैं, बड़े वाले में लगाते हैं, बड़े वाले में लगे 10 45, परपेंडिकुलर इसका AC और बेस है CO, तो 10 45 मतलब 1, AC निकालना है और CO कितना है 36, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई 36, ये पूरा 36 दे रखा है, ये हाँ ये वाला दे रखा है 12√3, तो ये AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा मेरा AC माइनस BC, मतलब 36 माइनस 12√3, अगर मैं ऐसे 12 कॉमन ले लूं तो 3 माइनस √3 और ये आ जाएगा मेरा आंसर, सिंपल सेक्शन ए की हाइट। और क्या बोल रखा, इफ पॉइंट ओ इज मूव टुवर्ड द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेक्शन बी चेंजेस फ्रॉम 30 to 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स क्या था वो फिगर फिर पूछा जाना पड़ेगा, नोट डाउन करो इसको, इसके बाद देखते हो क्या है, अभी वही एक्स देख लेते हैं, एक्स था क्या 37 पे आते हैं, वैल्यूज की वन है, क्वेश्चन क्या दे रखे इसके, ठीक है क्वेश्चन दे रखे, क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन ऑफ हिस्ट्री गाइड एंड साहिल स्टेट पॉइंट एट द ओरिजिन इज, ठीक है अभी देख ले, हिस्ट्री गाइड थे कौन से, हिस्ट्री एनिमल राधानगर लाइब्रेरी पीरियड द पॉइंट ऑफ द प्लॉट कॉर्डिनेट द शो इन द मिली द इंडिकेट द डॉट्स ऑफ द ईच अवेलेबल, पॉइंट ए साइंस गाइड, पॉइंट बी इज अ मैथ गाइड, पॉइंट सी इज अ हिस्ट्री गाइड है, पॉइंट डी और पॉइंट डी कितना है 101, तो इस वाले क्वेश्चन में बोले पॉइंट डी मतलब 101 और ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 और 0 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल है, डिस्टेंस का फॉर्मूला इसे मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसे x2 कितना हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर + 0 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर 1 + 1, तो ये जाएगा अंडर रूट 2। सेकेंड क्या बोला, हाउ मच डिस्टेंस डज एमा हैज टू वॉक टू गेट द साइंस गाइड फेयर्स इफ हर स्टार्टिंग पॉइंट इज 0-2, अच्छा 0-2 से साइंस गाइड तक जाने से रब कर रहा हूँ, अभी साइंस गाइड कौन से नंबर वाले देखते हैं, साइंस गाइड कौन है हमारे, साइंस गाइड है पॉइंट ए और पॉइंट ए है -5/2, तो इसे -5/2 से कहाँ जाना है 0-2 तक, इसे मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, वो मान लो ये का डिस्टेंस कितना आ जाएगा एबी का, एबी का डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये आ जाएगी 5। नेक्स्ट बोले हाउ फार अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड संस्कृत गाइड, इसे रब कर दूं, ठीक है इंग्लिश और संस्कृत गाइड की बात करें, इंग्लिश गाइड कौन से हमारे, संस्कृत गाइड तो पॉइंट ई और सी, ई और सी में, तो ई और सी, सी है -3 -3 और ई है 6 और -5, -3 और -3 और 6 और -5, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला,
81 + 2y2 6 - -3 होल स्क्वायर + -5 - -3 होल स्क्वायर यहां आ जाएगा 6 + 3 होल स्क्वायर + -5 + 3 होल स्क्वायर यहां आ जाएगा 9 होल स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर 81 + 4 √85 आ जाएगा इसका आंसर। और डस पॉइंट बी सी डी लाइ ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बी सी डी को कौन कौन से देख लेते हैं, बी सी डी वैसे देखने के लिए ग्राफ पे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, हमें पॉइंट बी सी डी लिखने पड़ेंगे, मैं लिखने हाथ पे लिख करके पॉइंट लिख देता हूँ कौन कौन से, बी है 4, 3, सी है -3, -3 और डी है 1, 1। स्ट्रेट लाइन में इसका मतलब क्या होगा, कोलिनियर होंगे, मतलब बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी का, तीनों की लेंथ अलग अलग। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इन 7 रोज एन नंबर ऑफ कार्ड्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 7, 14 कार्ड्स आर इन द बॉटम रो, 12 इन द फोर्थ, एपी चल रही है 14, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट वीक फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स इन द टॉप रो, ठीक है, अब ए हो गया यहां से मेरा 14, डी हो जाएगा माइनस का 2, इन्होंने बोला ए एन फाइंड करेंगे, लास्ट वाली टर्म में कितना होगा, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन निकाल ले, ये आ गया 14 प्लस 7 माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, 14 प्लस 6 इंटू में माइनस का 2, 14 माइनस का 12, तो लास्ट वाली इसमें कितने रह जाएंगे, बस 2। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स इन द फोर्थ रो, मतलब ए फोर निकालने के लिए बोला है, ए फोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, ए कितना है 14 प्लस 3 इंटू में माइनस 2, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, तो 4 टर्म में 8 रहोगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, मतलब एस एन निकालने के लिए बोला है, एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस ए एन, एन कितना है मेरी 7 अपॉन में 2, ए कितना है 14 और ए एन मैंने भी फाइंड किया था प्लस का 2, तो 7 अपॉन में 2 प्लस 16, 2 8 जा 7, 8 जा 56 टोटल कार्ड्स हैं, ठीक है, उसके आगे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ कार्ड्स सेट इन द फोर्थ रो, निकाल लेता हमने टिल फोर्थ रो, मतलब एस फोर निकालना है, एस फोर का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन कितनी है 7 बाई 2 2 इंटू में 14 प्लस नहीं फोर्थ निकालना है, तो एन 4 आ जाएगी यहाँ पे 4 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 2 14 है ना, नहीं 4 ये 2 28 3 इंटू में माइनस का 2, तो आएगा 2 इंटू में 28 माइनस का 6, 2 इंटू 28 में 6 या तो 22, तो 2 इंटू 22 कितना आएगा 44, तो फोर्थ रो तक 44 कार्ड यूज हो चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लो, लास्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, डन, ठीक है, तो ये वाली वीडियो खत्म करते हैं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है सारे क्वेश्चन वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, नेक्स्ट वाली वीडियो मिलेंगे इवनिंग शिफ्ट के साथ।